नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। पंजाब के मशहूर रैपर और बॉलीवुड के सिंगर बादशाह के गानों पर आप भी जरूर थिरके होंगे। डीजे वाले बाबू से लेकर गेंदा फूल, जुगनू और मर्सी जैसे कई सुपरहिट गानों से उन्होंने लाखों लोगों को अपना फैन बना दिया है। आपको बता दें कि बादशाह, जिनके गानों के लाखों लोग दीवाने हैं, बादशाह अपनी सिंगिंग के जरिए लाखों को अपना दीवाना तो बना दिए हैं, लेकिन अगर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात कही जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी परेशानियां हैं, जी हाँ, जिसे उनके फैंस बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। आपको बता दें, सिंगर अपने तलाक को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। सिंगर बादशाह ने साल 2012 में शादी की और साल 2020 में उनका तलाक हो गया। वहीं अब तलाक के 4 साल बाद सिंगर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बता दें कि बादशाह ने अपनी पत्नी से लेकर अपनी बेटी तक के बारे में कई ऐसे बड़े बात है जो उन्होंने कही है। बादशाह ने अपने तलाक पर बात करते हुए कहा कि पत्नी से अलग होने का मुझे कोई भी पछतावा नहीं है और ना ही अफसोस है, क्योंकि मुझे पता है कि हम दोनों ने मिलकर वो हर एक संभव कोशिश की जिससे हमारा रिश्ता बच जाए, पर हमारा रिश्ता नहीं बचा। साथ ही साथ रैपर ने अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए कहा कि उससे मिलना बेहद कम होता है क्योंकि वह लंदन में रहती है, लेकिन हमारा रिश्ता बेहद ही दोस्ताना है। वह कहती है कि डैडी अच्छे हैं, लेकिन मैं उनकी फैन नहीं। सिंगर ने आगे बताया कि वह ब्लैक पिंक को सुनती है, जो एक कोरियन म्यूजिशियन है। सिंगर ने इस पर आगे बात करते हुए कहा कि एक म्यूजिशियन के लिए अपने बच्चों के लिए किसी दूसरे म्यूजिशियन का सामान खरीदना थोड़ा दर्दनाक होता है। साथ ही बादशाह ने कहा कि अगर कोई एक चीज है जिसके लिए वह पूरी जिंदगी कमिटेड होने में विश्वास करते हैं तो वह है प्यार। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग एवरेज वाले पैदा होते हैं, लेकिन जब प्यार बांटने की बात आती है तो उन्हें एवरेज से ऊपर होना चाहिए। एक इंटरव्यू में सिंगर से आगे सवाल ये किया गया कि क्या जैस्मीन के लिए अपना उन्होंने सब कुछ गवा दिया। इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन टूट गया। उन्होंने आगे कहा कि हम ऑनलाइन फेसबुक पर मिले और फिर एक कॉमन फ्रेंड के जरिए जुड़े। हमने 1 साल से अधिक एक दूसरे को समय दिया और एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी कर ली। सिंगर से आगे पूछा गया कि क्या आपके माता पिता इस शादी से सहमत थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए मान गए। बादशाह ने आगे कहा कि अपना परिश्रम करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम परिश्रम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और ठीक, बिल्कुल मेरे परिवार के साथ भी ऐसा हुआ। मैं जब अपनी शादी का प्रस्ताव रखा तो मेरे घर वाले मान गए। आगे सिंगर ने कहा कि यह जांचना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि लोग साथ में जो रह रहे हैं वो साथ में रह सकते हैं या फिर आगे नहीं रह सकते हैं। साथ ही बादशाह ने यह भी कहा कि इस दुनिया में माता पिता आम तौर पर सही होते हैं। बादशाह ने कहा, मेरे माता पिता ने भविष्यवाणी की थी कि मेरी शादी में समस्याएं होंगी। आपको बता दें, सिंगर ने 4 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपनी सारी बात रखी है। कैसे उन्होंने रिश्ता बचाना चाहा, सभी कोशिश की, पर उनका सारा कोशिश नाकाम रहा। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी को लेकर भी बड़ी बात कही कि उनकी बेटी किसी अन्य म्यूजिशियन को पसंद करती है। बहरहाल, आपको हम बता दें कि सिंगर अपनी लाइफ में नए नए गाने लाने की कोशिश करते रहते हैं। वे हमेशा ये सोचते हैं कि अपने फैंस को अच्छे अच्छे गाने सुनाएं और उनकी फैंस फॉलोइंग ज़्यादातर बढ़ती जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आप क्या विचार करते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करिएगा। धन्यवाद।